they allow passage of sperms, passage of semen and passage of urine time to time. Next is penis. The last important organ hai, accessory organ hai, male reproductive system ka. It is copulatory organ. Copulatory organ. Which is for transmission or to transmit the sperms to female genital tract. Female genital tract में semen को transmit करने के लिए इसका function होता है. अगर हम इसको देखें, it consists of a long shaft. लॉन्ग शेफ है दैट एंड्स इन स्लाइटली स्वोलन पार्ट कॉल्ड ग्लैंड्स. इसके शेफ के एक शेफ के रूप में है, एक रॉड के रूप में है, जिसके टर्मिनल पार्ट को हम ग्लैंड्स का नेम देते हैं. एंड दिस ग्लैंड्स इज कवर्ड बाय a loose fold of skin. Or the shaft hai, shaft has two spongy tissue. Ye important hai jo bata raha hu. Two spongy tissues. क्या नेम है इन स्पॉन्जी टिश्यूज का, ये आपको लर्न करना है. टू स्पॉन्जी टिश्यूज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि इरेक्टाइल फंक्शन में रोल प्ले करेंगे, ब्लड के साइनसिस इनमें होंगे. लॉन्ग शेफ के अंदर दो स्पॉन्जी टिश्यूज हैं एंड नेम ऑफ दिस स्पॉन्जी टिश्यूज आर कॉर्पोरा कैवर्नोसा. ये टेक्निकल नेम है, थोड़ा ध्यान से देखें. कॉर्पोरा कैवर्नोसा एंड कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम. अपनी एनसीईआरटी की बुक को खोलिए एंड रेफर टू पेज. आज मेरे पास एक बुक है सामने, अगर आप इस शेफ को टीएस में देते हैं तो टू स्पॉन्जी टिश्यूज कॉर्पोरा कैवर्नोसा एंड कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम. ये जो टिश्यूज हैं they have sinuses chambers for accumulation of blood and blood helps in erection of the penis during male sex act. So aapko yahan par TS of penis draw karna hoga taki usme corpora cavernosa and corpora conjugation show kiye ja sake. Ye to spongy tissues hain जो ब्लड से फिल हो जाते हैं ग्लैंड्स. इट्स अ सेंसिटिव पार्ट है. लूज इसके ऊपर एक लूज फोल्ड ऑफ स्किन है जिसको कवर करता है. ये है हमारे पास जनरल मॉर्फोलॉजी पेनिस एंड यूरेट्रा. इसके साथ ही हम डिस्कस करेंगे ग्लैंड्स, एक्सेसरी ग्लैंड्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है फिर से कि नेम द एक्सेसरी ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ कौन कौन सी एक्सेसरी ग्लैंड्स एसोसिएटेड हैं,
फिर वही है कि इन डिस्ट्रिक्ट ये तीन है, ये देयर थ्री ग्लैंड्स. द फर्स्ट वन इज सेमिनल वेसिकल्स व्हिच आर इन पेयर प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल मोटर ग्लैंड्स और पैंक्रियास ग्लैंड्स इन पेयर. नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन हुआ, ये तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है कि कौन कौन सी ग्लैंड्स एसोसिएटेड हैं. क्वेश्चन आपको वो देंगे कि विच मेल एसेसरी ग्लैंड इज अनपेयर. अब सीरीज देखिए, सेमिनल वेसिकल्स पेयर में है, प्रोस्टेट ग्लैंड अनपेयर सिंगल है, तो सिंगल मीन्स अनपेयर. इस तरीके से आपको चेक करेंगे आपकी नॉलेज को. पर्पस ग्लैंड्स पेयर में है, तो क्वेश्चन कैन बी लाइक दिस. ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पेयर में कौन सी हैं, तब आपके पास टू ऑप्शंस होंगी, सेमिनल वेसिकल्स एंड कॉपर्स ग्लैंड्स, और आल्सो वी कॉल देम एज बल्बो यूरेट्रल ग्लैंड्स. अनपेयर प्रोस्टेट ग्लैंड. अब सेमिनल वेसिकल्स, आपको कल मैंने बताया था कि जो वेस्ट डेफरेंस स्ट्रेटेड पार्ट ऑफ द एपिडाइडिमस, व्हेन एपिडाइडिमस बिकम्स स्ट्रेट एंड गोज अपवर्ड्स, एब्डोमेन की तरफ ऊपर जाता है, लूप्स ओवर यूरिनरी ब्लैडर, तो वहां पर इसको दो डक्ट्स मिलते हैं, वहीं पर सेमिनल वेसिकल्स हैं, और ये जो ग्लैंड्स हैं दे सिक्रीट सेमिनल प्लाज्मा. ये ग्लैंड्स सेमिनल प्लाज्मा सिक्रीट करती है. लिखा हुआ होगा आप एनसीईआरटी को रेफर कीजिए पेज नंबर 43 पर. तो दीज ग्लैंड्स दे सिक्रीट सिक्रीशन विच इज मेनली रिच इन फ्रक्टोज. कॉर्टिकल सिक्रीशन उसमें होते हैं, बट मेन सिक्रीशन इज फ्रक्टोज. देन प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल ग्लैंड है, अनपेयर्ड है, एट द बेस ऑफ जहां पर यूरिनरी ब्लैडर है वहां से ये स्टार्ट होती है, और यूरेथ्रा जो है वो इसमें से पास करता है. ये नोट करेंगे, जो यूरेथ्रा है इट पासिस थ्रू प्रोस्टेट ग्लैंड, वो प्रोस्टेट ग्लैंड में से पास करता है. इसका साइज अगर हम देख रहे हैं, चेस्टनट साइज या गोल्फ बॉल साइज, गोल्फ की जो बॉल है उसके साइज की ग्लैंड एडल्टहुड में होती है. विद एडवांसिंग एज इसका साइज भी बढ़ जाता है, और साइज बढ़ने पर यूरेथ्रा क्योंकि इसमें से पास कर रहा है तो ये यूरेथ्रा को प्रेस करता है एंड मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर यूरिन टू पास आउट. तो ओल्ड एज में प्रोस्टेट की प्रॉब्लम अक्सर हम ओल्ड एज पर्सन जो 55 to 60 तक पहुंचते हैं वहां से स्टार्ट हो जाती है. प्रोस्टेट का साइज इंक्रीज होता है, इट प्रेसेस द यूरेथ्रा, यूरेथ्रा क्योंकि इसमें से पास कर रहा है, इसमें से निकल रहा है, तो वहां पर ये प्रॉब्लम कॉज करता है. क्या करती है प्रोस्टेट, इट सीक्रेट एल्केलाइन सिक्रीशन. ये एक सिक्रीशन बनाती है जो जनरली एल्केलाइन है, उसमें शुगर्स होती हैं, कई और सब्सटेंसेस होते हैं जो कि सिक्रेट की जाएंगे इन पर्स कॉपर ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड. क्लियर में है, and present on either side of the urethra. ये glands urethra के दोनों तरफ हैं. Again, their secretion is alkaline. तो ये एक alkaline secretion बनाती हैं. अब इन तीनों का जो secretion है, secretion of seminal vesicles, which is mainly in fructose, secretion of prostate gland, कुछ न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस हैं फॉर स्पर्म्स, कॉपर ग्लैंड्स हैं पेयर में हैं ऑन आइदर साइड ऑफ यूरेथ्रा. इनके भी सिक्रीशन में कुछ यूजफुल सब्सटेंसेस हैं, उनको ज्यादा क्रैम करने की जरूरत नहीं है. तो इनका सिक्रीशन जो है इट इज एडेड टू स्पर्म्स. टेस्टिस में स्पर्म्स प्रोड्यूस किए हैं, स्पर्म्स
सिक्रीशन ऑफ दीज थ्री ग्लैंड्स, इन तीनों ग्लैंड्स का सिक्रीशन प्लस स्पर्म्स कोलेक्टिवली इट इज कॉल्ड सीमन, यानी दिया गया है इसको सीमन। तो सीमन इज मिक्सचर ऑफ, सीमन इज मिक्सचर ऑफ सिक्रीशन ऑफ थ्री एसेसरी ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो तीनों ग्लैंड्स हैं उनका सिक्रीशन प्लस स्पर्म्स, इसको मिला करके सीमन बन जाता है। एंड दिस सीमन कंटेन्स स्पर्म्स विच आर मेल गैमेट्स एंड सम अदर यूजफुल सब्सटेंसेस विच आर रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर मैच्योरेशन ऑफ द स्पर्म्स, जो स्पर्म्स की मैच्योरेशन के लिए जरूरी हैं वो सिक्रीशंस इस सीमन में होते हैं। तो सीमन को भी 2 मार्क्स में कभी कोई क्वेश्चन होता है तो आपको सीमन पर भी कंसंट्रेट करना है। testes, testes are primary organs, testes produce, क्यों इनको primary organ कहा गया है, because जो testes हैं they produce sperms, sperms बनाएंगी plus hormones। मैं again I repeated कि sperms जो हैं they are produced by process of spermatogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं दे प्रोड्यूस, उनमें जो जर्म सेल्स हैं डिप्लॉयड जर्म सेल्स जिनको स्पर्मेटोगोनिया, कल आपको मैंने बताया था स्पर्मेटोगोनिया, उसको रिकॉल करें, मैंने बना के ड्रॉ करके आपको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, तो दीज आर germinal epithelial cells or also called as spermatogonia। So these spermatogonia they will produce what? Sperms। In between आपने देखा था there are Sertoli cells, the Sertoli cells, these cells provide nutrition to sperms, and jo ek testis mein various seminiferous tubules the, in between them inke beech mein there are present gametogenic cells, maine aapko gametogenic cells or interstitial cells, these cells they secrete hormone testosterone। फिर मैंने रिपीट किया है कि testes are primary organs, क्यों इनको primary organ कहा है, because testes produce male gametes or sperms and hormone, the male hormone is testosterone, so testosterone banane wali cells, fir ye aapke paas ek question hota hai, these cells secrete testosterone, testosterone is secreted by lady cells, ye simple question hai, nahi denge aise wo thoda change karenge ki name the endocrine cells, name the endocrine cells of male reproductive system, male reproductive system की endocrine cells हैं
लेडिंग सेल्स और इंटरस्टीशियल सेल्स क्या सीक्रेट कर रही हैं? टेस्टोस्टेरोन। तो नाउ वी टेक मैकेनिज्म ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, हाउ स्पर्म्स आर फॉर्म। टेस्टिस में स्पर्म बनने हैं सेमीफेरस्टिड्यूल से, तो कैसे बनते हैं ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। स्पर्मेटोजेनेसिस, जेनेसिस वर्ड मीन्स टू जनरेट और प्रोड्यूस। क्या प्रोड्यूस करना? स्पर्म। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, द प्रोसेस इज ऑल अंडर हार्मोनल कंट्रोल। ये प्रोसेस हार्मोनल कंट्रोल में होगी। कौन सा हार्मोन है ग्रो हम डिस्कस करेंगे बाद में, अब हम पहले प्रोसेस को लेते हैं। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। What is site of spermatogenesis? Site is seminiferous of testes. Seminiferous of testes. वहां पर यह प्रोसेस होता है। इसीलिए मैंने आपको बार बार ये बोला था कि TS of testes को ड्रॉ करेंगे और फेमिलियर हो जाएंगे विद seminiferous tubules. कैसे गैमेट्स बनते हैं? गैमेट बनना, क्योंकि गैमेट में दो टाइप के गैमेट्स बन रहे हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, स्पर्म्स एंड ओवम। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ ओवम इन फीमेल्स इज कॉल्ड ओजेनेसिस। वो हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे ओजेनेसिस फीमेल में, बट हम अभी मेल में डिस्कस कर रहे हैं। तो कितने स्टेप्स इन्वॉल्व हो रहे हैं? How many steps are involved? Two steps are involved. Number one, formation. यानी कि हम इसको और भी सकते हैं, और formation spermatid. ये पहला step है। स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस में पहला स्टेप क्या होगा? स्पर्मेटिड फॉर्मेशन या फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, और बी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म और स्पर्मियोजेनेसिस। अब देखिए ये स्पर्मेटिड क्या है? बिफोर वी अंडरस्टैंड कि व्हाट इज स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड क्या है, इससे पहले हमें अंडरस्टैंड करना होगा कि जो मेल गैमेट है या स्पर्म है, स्पर्म और मेल गैमेट शुड बी मोटाइल। ऑलवेज मेल गैमेट्स आर मोटाइल, इनको मोटाइल होना है। बट स्पर्मेटिड्स जो है वो सिंपल सेल हैं, these are non-motile. Non-motile. तो इन नॉन मोटाइल को मोटाइल स्पर्म में कन्वर्ट करना, ये सेकेंड स्टेप में हम लेंगे फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। सिंपल वर्ड से भी आप इसको याद रखें, दूसरा नेम अगर आप सुनना चाहें तो बोलते हैं। अब पहले हम डिस्कस कर रहे हैं कि स्पर्मेटिड फॉर्मेशन ये कैसे हो रहा है। साइट आपको मालूम है कि साइट सेमीफेरस्टिड्यूल्स में हो रहा है, एंड आई टोल्ड यू कि सेमीफेरस्टिड्यूल्स में देयर आर लार्ज नंबर ऑफ डिप्लॉयड सेल्स, जिनको कि आपने कहा था स्पर्मेटोगोनिया और स्पर्म मदर
cells, sperm mother cells, जो कि लाइन ऑफ द सेमी फेस्टिब्यूल को फॉर्म कर रहे हैं, ये डिप्लॉयड हैं। ये मदर सेल का फंक्शन करेंगे स्पर्म बनाने के लिए। तो स्पर्मेटिड बनाने के लिए स्पर्मेटिड फॉर्मेशन अकर्स इन तीन स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे। The first one is multiplicative phase. पहला फेज इसमें होगा मल्टीप्लीकेटिव फेज। सेकेंड फेज होगा ग्रोथ फेज और थर्ड फेज होगा मैच्योरेशन फेज। स्पर्मेटिड बनेगा किससे? फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटिड का बनना ये हमारा पहला स्टेप होगा। तो स्पर्मेटिड बनने के लिए तीन स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे। द फर्स्ट वन इज मल्टीप्लीकेटिव फेज, उसके बाद होगा ग्रोथ फेज, फिर होगा मैच्योरेशन फेज। यानी कि ये स्पर्मेटोगोनिया है, मल्टीप्लीकेटिव फेज में क्या होगा? सिंपल एज द नेम इंडिकेट, जैसे नाम दे रहा है मल्टीप्लीकेटिव फेज, इसमें नंबर ऑफ स्पर्मेटोगोनिया इंक्रीज कर जाएगा, बढ़ जाएगा। हाउ? बाय माइटोटिक डिविजन्स, क्योंकि ये डिप्लॉयड सेल है तो इसमें मल्टीप्लीकेटिव फेज से एक बार फिर इन दोनों से फिर दोबारा डिविजन होगा। तो मैं वो डिविजन शो ना करके मैं चाहता हूं कि मैंने आफ्टर रिपीटेड माइटोटिक डिविजन्स बार बार माइटोटिक डिविजन्स होकर के क्या बन जाएंगे? अ लार्ज नंबर ऑफ स्पर्मेटोगोनिया। इन सभी को भी हम स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। और अंडर हार्मोनल कंट्रोल, हार्मोन्स के कंट्रोल में ही मल्टीप्लीकेटिव फेज में क्या हुआ है? जो स्पर्मेटोगोनिया के सेमी फेस्टिब्यूल्स में वो माइटोटिक डिवीजन से डिवाइड हुए हैं, डिवाइड बाय माइटोसिस। और माइटोसिस का क्या है? सिंपली नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रहा है, देयर इज नो चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो ये जो नए सेल्स बनी है, दीज आर आल्सो स्पर्मेटोगोनिया, मींस मल्टीप्लीकेटिव फेज, जैसा नाम इंडिकेट कर रहा है इसमें मल्टीप्लीकेशन हो रही है, सेल्स के नंबर में इंक्रीज हो रही है, तो लार्ज नंबर ऑफ सेल्स आर फॉर्म। फिर उसके बाद ग्रोथ फेज होगा। ग्रोथ फेज में सम स्पर्मेटोगोनिया दे इंक्रीज द अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म, इनमें साइटोप्लाज्म की अमाउंट इंक्रीज हो जाती है, न्यूक्लियस ज्यादा एक्टिव हो जाता है, एंड इंक्रीज देयर इज एन इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ अदर कंपोनेंट्स ऑफ द सेल। थोड़ा सेल साइज में इंक्रीज कर जाती है। नाउ इट इज कॉल्ड, क्या क्या चेंजेस आई है इसमें? सिंपली इसमें साइटोप्लाज्म में कम्युनिकेट किया है, न्यूक्लियस में है, 2n ही है अभी, साइटोप्लाज्म इंक्रीज किया है, दूसरे कुछ कंपोनेंट्स इंक्रीज किए हैं, एंड इट ग्रोज इन साइज। इसको नेम दिया गया है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। मैंने एक के लिए शो किया है, ऐसा काफी सेल्स में होगा जिससे जो स्पर्मेटोगोनिया है इट इंक्रीजेस इन साइज, साइज में इंक्रीज कर रहा है। इस लार्ज साइज के सेल को क्या कहा है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। दिस इज ग्रोथ फेज, ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ का मतलब ग्रोथ से कुछ बड़ा हो रहा है,
correlated with size, इसका भी साइज बड़ा हो रहा है, इसमें भी कुछ न्यूट्रिएंट्स और कुछ दूसरे कंपोनेंट्स एक्युमुलेट हो रहे हैं, बट देयर इज नो चेंज इन क्रोमोसोम नंबर। इसके बाद होगा मैच्योरेशन फेज। साइज कौन सा है? मैच्योरेशन फेज। अभी जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है अब इसमें शुरू होगा, स्टार्ट होगा मैच्योरेशन फेज। देखिए मल्टीप्लिकेटिव फेज में स्पर्मेटोगोनिया का नंबर इंक्रीज हुआ है बाय माइटोटिक डिवीजन, तो वो बहुत ज्यादा नंबर में बन गए हैं। ग्रोथ फेज में बहुत से जो स्पर्मेटोगोनिया बने थे, most of them they accumulate cytoplasm, increase in size and becomes primary spermatocyte. This primary spermatocyte undergoes maturation phase. Maturation phase, the primary spermatocyte is 2N, it undergoes meiosis 1, kyunki jo gametes bante hain diploid cell se, they are formed by meiosis, and meiosis, you know, it is a reductional division. ये एक reductional division है, तो इसमें meiosis one हुआ है, और meiosis one से it results in formation of two daughter cells, जिनको क्या कहा है? Spermatids, बल्कि इनको secondary spermatocytes कहिए आप। primary से अब देखिए ह्यूमन में 2N नंबर है, इट इज 46, क्रोमोसोम नंबर जो है इट इज 46, बट जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है या स्पर्मेटिड है, इनमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा 23, जो कि नॉर्मल गैमेट में होता है। मैच्योरेशन फेज में ही देयर विल बी मियोसिस 2, मियोसिस 2 भी होगा, और मियोसिस 2 होने के बाद ये सेल जो है डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल्स, और ये भी 2 डॉटर सेल्स में ईच हैविंग, ये सारे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट स्पर्मेटिड सी कहेंगे इनको हम, इनमें 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होगा सर। ये था स्पर्मेटिड फॉर्मेशन, इनको क्या बोला आपने? मियोसिस 1 हुआ है, फिर मियोसिस 2 हुआ है, मियोसिस 2 के बाद इनको आपने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स या स्पर्मेटिड कहा है। ये हमारा पहला स्टेप है, कंप्लीट हो रहा है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड। अब क्योंकि ये सेल गोल सेल्स हैं, इतनी ज्यादा मोटिलिटी में नहीं है, नॉन मोटाइल है, तो ये मेल गैमेट का फंक्शन अभी नहीं कर पाएंगे। अब इनको मोटाइल सेल्स में कन्वर्ट होना है, और वो प्रोसेस होगी हमारी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। इसमें कुछ चेंजेस आएंगी, क्या चेंजेस आएंगी? चेंजेस होंगी कि जो इनका न्यूक्लियस है, दी सेल्स सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स आर स्पर्मेटिड्स, दे अंडरगो स्पर्मियोजेनेसिस, इनके फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना। इसके लिए क्या है, इसमें कुछ चेंजेस होंगी, क्या चेंजेस होंगी? अब देखिए, दे हैव अकुमुलेटेड अ लॉट ऑफ साइटोप्लाज्म, इनमें काफी सारा साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो रहा है, तो जो सेल्स हैं they lose cytoplasm. Spermiogenesis कैसे हो रही है? जो सेल है स्पर्मेटिड है, वो अपने में से कुछ अपने में चेंजेस लाएगा, कुछ इवेंट्स होंगी, क्या इवेंट होंगी? लूज
साइटोप्लाज्म अपने साइटोप्लाज्म को लूज करेंगी। जब साइटोप्लाज्म को लूज करेंगी तो थोड़ी हल्की होंगी, मोटिलिटी इंक्रीज होगी। नंबर टू, जिसमें न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस बिकम्स इलोंगेटेड। न्यूक्लियस जो है वो थोड़ा लंबा हो जाता है, इलोंगेटेड कर जाता है। अब वो स्फेरिकल नहीं रहा है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मैं यहां ले रहा हूं इसको, न्यूक्लियस इलोंगेट्स, इलोंगेट करेगा, लंबा होगा एंड बिकम ओवल इन शेप। ओवल बन जाएगा शेप में एंड टेल्स ओवर टॉप पोजीशन। अब ये किस तरीके से टॉप पोजीशन लेकर के यहां पे आ जाएगा, ये जो हेड था, न्यूक्लियस था, वो थोड़ा इलोंगेट किया, इसमें न्यूक्लियस हेड है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी कि न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस था इसका स्पर्मेटिड का, वो थोड़ा इलोंगेट करता है। सेल ने साइटोप्लाज्म लूज किया है एंड जो न्यूक्लियस है इट बिकम्स ओवल इन शेप। अब ये उतना गोल नहीं है, ओवल इन शेप, ओवल होने से थोड़ी मोटिलिटी इंक्रीज होगी। ओवल इन शेप, इट रिमेन सराउंडेड बाय वन और टू मेम्ब्रेन्स, इसके ऊपर कुछ मेम्ब्रेन्स होंगे। थर्ड इवेंट, तीसरी इवेंट क्या होगी, थर्ड इवेंट में जो गॉल्जी बॉडी होती है, इसमें जो गॉल्जी बॉडी होगी, गॉल्जी बॉडी टेक्स इट्स पोजीशन ऑन द टॉप ऑफ द न्यूक्लियस एंड फॉर्म एक्रोसोम। क्या बना देगी, एक्रोसोम। देखिए कैसे चेंजेस हो रही हैं, पहले साइटोप्लाज्म लूज किया है, वेट लूज किया है, हल्का हो गया है, मोटिलिटी इंक्रीज हुई है। नंबर टू पर न्यूक्लियस बिकम इलोंगेटेड एंड ओवल इन शेप, रिमेन्स सराउंडेड बाय फ्यू मेम्ब्रेन्स एंड दिस इलोंगेटेड न्यूक्लियस फॉर्म्स हेड ऑफ द स्पर्म। इसने स्पर्म का हेड फॉर्म किया, हेड ऑफ द स्पर्म। देन जो इसमें गॉल्जी बॉडी थी, सेल के अंदर गॉल्जी बॉडी होती है, आप जानते हैं गॉल्जी बॉडी, उसने टॉप पोजीशन ली है टू फॉर्म एक्रोसोम, जो कि कुछ एंजाइम्स रिलीज करेगा जिनका रोल होगा टू डिसॉल्व द एग मेम्ब्रेन, क्योंकि स्पर्म का काम है फीमेल गैमेट को फर्टिलाइज करना। अब इसमें क्योंकि जनरल सेल है तो जनरल सेल में जो जो होता है वो इसमें भी है। न्यूक्लियस का मैंने बताया आपको क्या हो गया, बॉडी बॉडी को मैंने आपको बता दिया क्या हो गया। नाउ माइटोकॉन्ड्रिया, सुना होगा आपने वर्ड माइटोकॉन्ड्रिया, हर एक सेल में होता है, पॉपुलरली कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल, उसको सेल का पावर हाउस कहते हैं। तो ये एक सेल है, इसमें भी लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर देयर। जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया हैं, बल्कि माइटोकॉन्ड्रिया से पहले, चलो अब माइटोकॉन्ड्रिया हमने शुरू किया है, माइटोकॉन्ड्रिया दे गेट अरेंज्ड इन अ स्पाइरल मैनर, ऐसे स्पाइरल मैनर में इकट्ठे हो जाते हैं एंड फॉर्म क्या बनाते हैं, डायग्राम दे रहा हूं, मिडिल पीस ऑफ द स्पर्म। क्या बनाते हैं, मिडिल पीस ऑफ द स्पर्म, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया गेट अरेंज इन स्पाइरल मैनर इन द सेल टू फॉर्म मिडिल पीस। अब जानते हैं आपके माइटोकॉन्ड्रिया जो है दे आर पावर हाउस ऑफ द सेल, तो यहां पर भी वो क्या पावर देंगे, दे विल प्रोवाइड